मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबका सलाम। मेरा नाम अनीता है, मैं टोबा में रहती हूँ और मेरे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। मैं आपके सामने एक आयत पेश करूँगी, मत्ती 5:21-26। गुस्सा के बारे में तलीम, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिश जहन्नम का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बानगाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नज़र गुजरान। जब तक तू अपने मुदई के साथ राह में है उससे जल्द सुलह कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुदई तुझे मुनसब के हवाला कर दे और मुनसब तुझे सिपाही के हवाला कर। और तू कैद खाना में ढाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी उदा ना कर देगा वहाँ से हरगिज ना छूटेगा। आमीन। जय मसीह। आप सबको सलाम, मेरा नाम सुनीता है, मैं टोबा टैक्सी में रहती हूँ, मेरे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। मैं आपके सामने आज पेश करना चाहती हूँ मत्ती के अंजील उसका 9:18-26। वो उनसे ये बात कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उससे सजदा किया और कहा मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चल कर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। यसु उठकर अपने शिगिर्दों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो एक औरत ने जिसके 12 वर्ष से खून जारी था उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। यसु ने फिर कर उसे देखा और कहा बेटी खातर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। पास वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यसु सरदार के घर में आया और बानसली बजाने वाले को और भीड़ को गालब मचाते देखा तो कहा हट जाओ क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है, तो उस पर हंसने लगे। मगर जब भीड़ निकाल दी गई तो उसके अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी, और उस बात की शहारत उस तमाम इलाके में फैल गई। पाक कलाम के पढ़े और समझाने में खुदा की तमजीद और खुदा का शुक्र हो। आमीन। जय मसीह। साहब साहब सलाम, मेरा नाम आशिर है और मेरे शहर का नाम टोबा टैक्सिंग है और मेरे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। मैं आप सामने क्या पेश करूँगा, मत्ती उसका 5:31-32। तलाक के बारे में तलीम, ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े इसे तलाक नामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे यही कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हराकारी के सिवा किसी और सवाब से छोड़ दे वो इससे जिना करता है, और जो कोई इसे छोड़ता हो और बयान करे वो जिना करता है। आमीन। जय मसीह।